दोस्तों, आईपीएल के 17वें सीजन का दूसरा महामुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में बने नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी, जहां पर पहली बार आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा। पंजाब किंग्स की टीम जहां एक बार फिर से शिखर धवन की कप्तानी में खेलने उतरेगी, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स टीम में ऋषभ पंत की वापसी के साथ वह टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। दोनों ही टीमों के बीच अब तक आईपीएल इतिहास में कई रोमांचक मुकाबले भी देखने को मिले हैं। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक हेड टू हेड रिकॉर्ड को लेकर बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक में 32 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 16 बार पंजाब किंग्स को जीत मिली है, तो वहीं 16 मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत अपने नाम किया है। पिछले आईपीएल सीजन में जब दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ दो मुकाबले खेले थे, तो उसमें पंजाब किंग्स की टीम को जीत हासिल हुई थी, जिसमें एक मैच में वह 6 रनों से जबकि दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल करने में सफल रहे थे। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए पिछले 5 मैचों में से 3 बार पंजाब जबकि सिर्फ 2 बार दिल्ली की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है। दोस्तों, क्या लगता है पंजाब और दिल्ली में से कौन सी टीम स्ट्रांग है और आपकी आईपीएल की फेवरेट टीम कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।